याद कीजिए वो आखिरी बार कब था जब आपने सड़कों को वीरान देखा था। वो आखिरी बार कब था जब आप अपनी मन से घर में थे, आप पे कोई भी लॉ या रूल्स नहीं लगाए गए थे। वो आखिरी बार कब था कि आप अपने मन से अपने घर में बंद थे, जब आपको कोई भी मजबूर नहीं कर रहा था ये सब करने के लिए। जी, 22 मार्च को भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर जनता कर्फ्यू लगाया गया। जनता ने इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो जब भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश को कुछ ऐसा करना पड़े और ये सब कुछ स्व इच्छा से हो तो चर्चा होना तो लाजमी है। कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों के समर्थन में जनता ने ठीक शाम 5 बजे तालियों और थालियां बजाकर इसका स्वागत किया। तो देश में जब इतना कुछ हो रहा था, लोग अपनी मर्जी से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, तो वर्ल्ड मीडिया इसकी चर्चा भला कैसे नहीं करती। तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग मीडिया हाउसेस ने आखिर इस पे क्या कहा है। अल जजीरा की हेडलाइन कुछ ऐसी थी, जनता कर्फ्यू के दिन शहर वीरान हो गए, देश की जनता प्रधानमंत्री के अपील का समर्थन करते हुए सड़कों पर नहीं निकली, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर के सड़कें खाली थी। दूसरी हेडलाइन द डॉन की हेडलाइन, पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लाखों भारतीय घरों के अंदर रहे, जनता कर्फ्यू स्वेच्छा से था और लोगों के बाहर आने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मोदी की अपील ने यहां सड़कों से भीड़ को गायब कर दिया। रशिया मीडिया संस्थान ने लिखा कि कोरोना से लड़ने और जागरूकता फैलाने के लिए 14 घंटे की स्वैच्छिक कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू में लोगों की सोशल आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रहने की तैयारी को परखा गया। लंदन की मीडिया संस्थान बीबीसी ने लिखा कि देश के 1 अरब से ज्यादा लोगों ने रविवार को 14 घंटों के लिए जनता कर्फ्यू का पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोरोना वायरस से लड़ने में सभी लोगों ने सहयोग किया है। यूनाइटेड नेशन ने ट्वीट पर लिखा कि देश के 1.2 अरब जनसंख्या ने अपने साइलेंट हीरो के लिए आभार प्रकट किया। हम उन कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं। तो आपको बता दें कि देश के साथ दुनिया भर में जनता कर्फ्यू की चर्चा हो रही है, लोग भारत के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा जहां लॉकडाउन लगाया गया है उसका भी गंभीरता से पालन करें, क्योंकि ये सारे नियम केवल आपकी और आपके परिवार के सुरक्षा के लिए है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।